आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि घर के अंदर कौन सा रंग शुभ रहता है, घर के अंदर कौन सा रंग कराया जाए, शयन कक्ष में या जहां पर आपका तिजोरी खजाना कैश बॉक्स होता है, जिससे कि आपके पास वो धन की कमी ना रहे और ऐसा मकान आपका सोना उगलता रहे। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आपको ऐसे लगता है कि रंग का क्या प्रभाव हो सकता है? क्या रावत जी कहीं अंधविश्वास की तरफ तो नहीं ले जा रहे? कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा फील होता है, इसलिए मुझे इन सब का एक वैज्ञानिक आधार भी बताना होता है। किसी भी विद्या के लिए उसका आधार धर्म आधार और वैज्ञानिक आधार जरूरी होता है। जब हमारा धर्म अनादिकाल से था तो उस समय विज्ञान नहीं था, आध्यात्मिक विज्ञान था। धार्मिक विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान, इनमें फर्क है। जैसे एक मुहूर्त का एक विज्ञान है, उसका अपने महत्व होता है, ऐसे ही रंगों का एक महत्व होता है। ये सच है कि अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में 7 रंग होते हैं, इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं और मोर पंख में भी 7 रंग होते हैं, और हमारी जो ऑरा होती है वो भी 7 रंगी होती है, और 7 ग्रह होते हैं। उन 7ों ग्रहों के कलर हमारे जीवन में हमें प्रभावित करते हैं। जानवरों में विद्वत्ता नहीं होती है, विद्वान नहीं होते वो, इसलिए उनके अंदर कलरों के प्रभाव और उनकी जानकारी नहीं होती है। कई जानवर कलर ब्लाइंड भी होते हैं, उनको नहीं दिखता, 7 रंग नहीं दिखते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रंग का धन के साथ क्या संबंध है और जो रूम है आपका इसके साथ क्या संबंध है, ये भी तो देखने वाली बात है। तो 7 रंगों का एक इफेक्ट होता है। हरा रंग जो होता है वो हमारी मेमोरी का होता है, सफेद रंग शांति का होता है, पीस ऑफ माइंड का होता है, येलो कलर जो होता है बृहस्पति का होता है, क्रीम कलर जिसको बोलते हैं, काला रंग शनि का होता है। अब काला रंग विज्ञान ये कहती है कि नेगेटिव ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है। अगर आपने काला रंग किया हुआ है तो घर में नेगेटिव ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा, वो इनपुट अंदर जाएगी और बाकी को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए बाकी चीजें दिखती हैं, विज्ञान ये कहता है। हमारे ऋषि भी बड़े महान थे, इसलिए जो 7 कलर हैं उनके अपने अपने रंग हैं। जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे में 2 कलर ही ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा धनदायक हैं, शांति के हैं, पीस ऑफ माइंड के हैं। चंद्रमा का कलर सफेद होता है, शीतलता देता है। अगर जहां आप सोते हैं वहां शीतलता है, शांति है, तो नींद अच्छे से आएगी। अगर कलर वहां पर डिफरेंट होंगे तो नींद नहीं आएगी। इसलिए चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक है। मन अगर शांति में है तो सब अच्छा हो सकता है। तो आज मैं आपको वो 2 कलर बताने वाला हूं, उनका वैज्ञानिक आधार बताने वाला हूं कि आप अपने रूम में, अपने शयन कक्ष में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। छत के अंदर जो रंग होता है उसको हमेशा सफेद रखना चाहिए, क्योंकि जब आप बेड पर इस तरीके से सोते हैं ऐसे, तो आपका ध्यान ऊपर जाता है, अंतरिक्ष की तरफ जाता है, आंखें ऊपर को देखती हैं, तो उस समय सफेद रंग पर आंखें जाएंगी। तो सफेद रंग एक ऐसा रंग है जो आंखों को जोर नहीं आने देता, आंखों पर जोर नहीं पड़ता, अंतरिक्ष के साथ वो मिल जाता है। या हल्का हल्का जो आसमानी कलर होता है, श्वेत श्वेत कलर जिसको बोलते हैं, सफेद और श्वेत में फर्क होता है थोड़ा सा, वो भी यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका मन शांत रहेगा, आपकी आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा और आपको अच्छा फील होगा।
उससे चंद्रमा भी मजबूत होगा। चंद्रमा जब मजबूत होगा तो पांच इंद्रिय मजबूत होती हैं, जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, और जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मजबूत होंगी तो दिमाग, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, जो वास्तु की रीढ़ की हड्डी होती है, उस पर वर्क करता है, अर्थ पर काम करता है। तो ये चंद्रमा का इफेक्ट है। चंद्रमा हमें जीवन देता है। तो आप छत के ऊपर सफेद रंग, मिल्की कलर हल्का सा यूज कर सकते। अब आती है दीवारों की बात। ऐसे जब आप इस तरीके से देखते हैं तो आपकी आंखें क्रीम रंग को या हल्का पीले रंग को आंखों पर फिर जोर नहीं पड़ता। ये बृहस्पति का रंग होता है। बृहस्पति ज्योतिष के अंदर पांच भावों का कारक है और छठा वो सप्तम भाव का कारक होता है। बृहस्पति धन देता है। अगर आपके दीवारों में चारों तरफ ऐसे देखें, आपकी नजरें जाएंगी, तो अगर आप येलोइश कलर होगा, क्रीम कलर होगा, तो बृहस्पति बलवान होगा। वहां बृहस्पति येलो कलर को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी कलरों को फेंकेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। जब बृहस्पति का कलर अंदर आएगा तो बृहस्पति मजबूत होगा। अब मैंने पुखराज पहन रखा है, ना पहनू और मैं पीले रंग के कपड़े पहन लूं तो अच्छा होगा। अब आप देख सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूं मैं अपने रूम का। अगर आप ऊपर देखेंगे ऐसे तो आप देखेंगे कि ऊपर छत का जो कलर है वो वाइट है पूरा, और दीवारों का अगर आप कलर देखेंगे तो आपको ये कलर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो कलर है, ये आप देख रहे हैं, अलमारियों का येलोइश कलर लिया गया है। आप कोई भी अगर कलर देखेंगे इस तरीके से, आप दीवारें आप देखें, यहां आप देख रहे हैं वॉलपेपर जो लगाया है वो भी क्रीम कलर का है। तो इस तरीके से अगर आप यूज करते हैं इन कलरों को तो आपके ऊपर बृहस्पति की मेहरबानी आएगी। तो व्हाइट और क्रीम, व्हाइट और ये हल्का येलो, ये कलर धन देने वाले होते हैं। इनको अपने रूम में, शयन कक्ष में लगा के रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे कलर इस्तेमाल करते हैं जो आंखों को चुभते हैं। कई एकदम हरा कर देते हैं, कई एकदम काला कर देते हैं, कई नीला कर देते हैं, कई एकदम लाल कर देते हैं, डार्क रेड कर देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमें नुकसान होता है, वो नहीं करना चाहिए। तो ये दो कलर आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। आप इनको कराते हैं तो आपको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। वास्तु में कलरों का बहुत बड़ा विज्ञान है, इसका लाभ आपको लेना चाहिए। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।